In this segment I'm going to talk about two different two very important concepts related to interest rate the first one is the nominal interest rate and the second is the real interest rate so when you take the quote from a financial institution that you want to borrow some money from them they will quote a certain rate of interest they would say that we will be charging you 12 percent or 18 percent or 30%. 30 percent you 30 percent you quote the rate ओवरऑल जैसे अखबार में इश्तिहार देखते हैं या कोई भी उनकी ब्रोशर पे जो मेंशन होता है इंटरेस्ट रेट दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को जब हम इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन अगर बता रही है कि जो कीमतें हैं जनरल प्राइस लेवल वो सिक्स या फाइव ऊपर चला गया है तो आप नॉमिनल इंटरेस्ट में से उस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट को निकाल लेते हैं जब उसको एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के लिए तो जो आपको इंटरेस्ट रेट की वैल्यू मिलती है उसको हम रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं तो इफ़ वी डिफाइन द टू वी कैन से दैट द रियल इंटरेस्ट रेट इज द एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट विच इज़ एडजस्टेड बाईटेंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन को आपने माइनस किया है नॉमिनल इन्फ्लेशन रेट से और फिर जो आपको इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट मिली है दैट विल बी कंसिडर एज द रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल जो है वो इन्फ्लेशन उसके अंदर मौजूद है और हम उसको इंटरेस्ट रेट की वैल्यू कोट रहे हैं और उसको हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपको कोट होगा बताया जाएगा लेकिन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप रियल इंटरेस्ट रेट को भी कैलकुलेट करें और उसके मुताबिक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट दोनों की वैल्यूज़ को कंसिडर करके आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीशनस को अंडरटेक करें राइट right? तो दे आर दे आर दे आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट और ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है कोई हाई पॉजिटिव रेट तो आप ज़रूरी नहीं है कि रियल इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा ही नि निकल के आए देर मे बी आर पॉसिबिलिटी कि जब आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे नॉमिनल को तो रियल इंटरेस्ट रेट आपको नेगेटिव में मिले तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करके अपनी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ना करें आप रियल इंटरेस्ट रेट को भी कंसिडर करें अब जब हम रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह के रियल इंटरेस्ट रेट हैं एक हम बोल रहे हैं हमारे पास है एक्स आंटे रियल इंटरेस्ट रेट और दूसरा है हमारे पास एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट तो जब हम एक्स आटे की बात करते हैं तो ये लफ्स इस्तेमाल होता है हमेशा पहले के लिए तो इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट हो कि फ्यूचर में हमारी जो कीमतें हैं इन्फ्लेशन कैसे डिफाइन करते हैं हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल डिफ्लेशन इज द अपोजिट ऑफ इट कि जनरल जनरल जो प्राइस लेवल है वो फॉल कर जाएगा तो हम कहेंगे डिफ्लेशन आ गई है जनरली जो की कीमतें आपको पता होगा कि हमारे पास एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों पे मुश्तमिल है एक आम आदमी के एक एवरेज हाउस होल्ड के ऊपर कितने अमाउंट का घी दालें बिजली और बाकी के यूटिलिटीज़ इस्तेमाल होते हैं उस उन तमाम चीज़ों को कंसिडर करके एक बास्केट तैयार की जाती है ठीक है और वो बास्केट की कीमत आज उस पूरी वो तमाम चीज़ें जो उस बास्केट में कंसीडर की गई हैं उनकी कीमत अभी क्या है और उनकी कीमत छः माह के बाद क्या थी और उनकी कीमत एक साल के बाद क्या थी उसके कीमतों के उतार और चढ़ाव से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हमने अगर रिज्यूम करा है कि अगले छ माह के बाद आपकी जो उस बास्केट की कीमत है वो पाँच फ़ीसद बढ़ जाएगी तो आपने रियल इंटरेस्ट नॉमिनल आपके पास था फिफ्टीन परसेंट आपने उसमें से ये पाँच फीसद निकाल के कहा कि रियल इंटरेस्ट रेट दस फीसद होने जा रहा है इसका मतलब है अभी वो चीज़ों की तब्दीली कीमत में उतनी आई नहीं है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को कंसिडर करके आपने रियल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने निकाला इफ द तो रियल इंटरेस्ट रेट इस टेन परसेंट इट मीन्स कि जो हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो पाँच फीसद है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमें बताया गया था कि फिफ्टीन परसेंट है तो हमारा एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट इज़ बी टेन परसेंट ये आपने प्री कंसीव किया है पहले से अंदाजा लगाया है इसको हम बोलेंगे ये एक्स आंटे है एक्स आंटे रियल इंटरेस्ट रेट है लेकिन जब छः माह गुजर जाने के बाद आपने रिकॉर्ड किया हुकूमत बेसिकली इशू करती है कि इस पिछले छः माह में या पिछले एक माह में या एक साल के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल है वो कितना ऊपर गया है तो आप वो वैल्यू को असेस करके देखते हैं कि एक्चुअल इन्फ्लेशन कितना था तो जब आप एक्चुअल इन्फ्लेशन को कंसिडर करके रियल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं तो उस रियल इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं एक्सपोस्ट एक्सपोस्ट लफ्स का मतलब होता है बाद में एक्स आंटे का मतलब है पहले तो पहले एक्स आंटे रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि आपने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कंसिडर करके कि ऐसा होने जा रहा है आपने रियल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया हुआ है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने कौन सी प्रोसीजर इस्तेमाल की है आपने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है या आपने रियलाइज या एक्चुअल इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो एक्सपोस्ट है या एक्स आंटे है ठीक है तो एक्स आंटे में आप पहले से फैसला कर रहे करें एक्सपोस्ट में आपके पास वैल्यू आ चुकी है इन्फ्लेशन की आप उसकी मदद से अपनी रियल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करें तो जब मैंने आपको कहा कि ये माइनस हो रहा है इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेड प्राइसेस को तो इसका मतलब है कि हम एक स्टैंडर्ड फॉमूला की बात करने जा रहे हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पता है एक्सपेक्टेड प्राइसेस पता हैं तो हम रियल इंटरेस्ट रेट को निकालेंगे कैसे उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड द फिशर इक्वेशन। फिशर इक्वेशन को इरविंग फिशर ने डेवलप करके बताया था कि आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से रियल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें क्या है कि आपने रियल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को तो मेरे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि आय के साथ एक छोटा सा आर लिखा हुआ है विच इज़ द सब्सक्रिप्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिम्बलाइज रहा है रियल इंटरेस्ट रेट को और उसके साथ मैंने पाए लगाया है पाए के ऊपर एक ई e लगा हुआ है तो ई e बता रहा है एक्सपेक्टेड है और पाए बता रहे है जनरल प्राइस लेवल को ठीक है तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को जब हम रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर ऐड कर देंगे तो नॉमिनल बन जाएगा तो अगर हमने रियल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर से एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को सप्रैक्ट करेंगे तो वी विल बी एबल टू कम अप विद द वैल्यू ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट जब रियल इंटरेस्ट रेट कम है अगर रियल इंटरेस्ट रेट की वैल्यू कम आई है तो इसका मतलब है कि बोरोअर को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम मिलेगी कम पे करनी पड़ेगी तो उसके लिए ज़्यादा इंसेंटिव है कि वो बोरो करे सो so, बोरोवर के लिए इंसेंटिव है कब ये ज़्यादा बोरो करे उसको ये ज़्यादा फीजेबल लगता है अगर आपका रियल इंटरेस्ट रेट कम निकलता है लेकिन अगर रियल इंटरेस्ट रेट हाई है तो इसका मतलब है कि बोरोवर को नहीं इस सिचुएशन में बाय करना चाहिए इसमें इसमें इस सिचुएशन इस में, इस में किसका फ़ायदा होगा लेंडर का कि उसको ज़्यादा शरा सूद मिलने वाली है उसकी उसको आमदन ज़्यादा होगी और इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जब भी इससे मैं एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ कि जब जब हुकूमत चाहती है कि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड करें जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर वो कोशिश करती है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है और इससे क्या होगा जब आप अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को असेस करते हैं आप अपने इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न को एवेल्यूएट करते हैं अपने बिज़नेस के लिए तो आपको लगता है कि हमें ज़्यादा बोरो कर लेना चाहिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि हमें जो बोरोड मनी है उसके ऊपर जो कीमत अदा करनी है इंटरेस्ट के फॉर्म में वो काफ़ी कम है लेकिन जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप देखते हो कि जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्क्वीज़ हो जाती है वो काफ़ी कम हो जाती है तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है रियल इंटरेस्ट रेट खास तौर के ऊपर उसका बोरोइंग के साथ में इस रिलेशनशिप है कि बोरोइंग विल बी मोर इफ द रियल इंटरेस्ट रेट इज़ लो एंड बोरोइंग विल बी लेस इफ़ द रियल इंटरेस्ट रेट इज़ हायर तो देर इज़ दिस इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ विच वी नीड टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि रियल इंटरेस्ट रेट को मैंने शुरू में भी बोला था अभी फिर एम्फेसाइज कर रही हूँ ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने अपनी इंटरसैक्शन मेकिंग नहीं करनी आपने रियल इंटरेस्ट रेट को भी कंसिडर करना है और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ सामने ग्राफ एक शो करी हूँ इस ग्राफ के अंदर यू कैन सी के हमारे पास जो डेटा है ये रियल इंटरेस्ट रेट्स लिए हैं यूएसए के और इसमें जो डेटा लिया गया है वो 1950 से लेके 2010 तक का है इतने लंबे टाइम पीरियड के ऊपर आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन देखने को मिल रही है वो नॉमिनल रेट है राइट दिस ब्लू लाइन इज द नॉमिनल रेट एंड द ब्लैक लाइन इज शोइंग द रियल इंटरेस्ट रेट तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन तो बता रही है कि ये तो बहुत हाई है और जीरो के कंटिन्यूसली ऊपर ही चल रही है वैल्यू और शुरू में ये तकरीबन फोर से नीचे थी मगर उसके बाद ये हमें देखने को मिल रही है इसकी रेंज जा रही है 1980 तक इसकी वैल्यू चली है एट परसेंट के करीब और उसके बाद ये 1978 79 में इसकी वैल्यूज़ तो 12 से भी ऊपर चली गई हैं 15 से भी ऊपर चली गई हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो गया और फिर उसमें हमें फॉल देखने को मिलता है और फिर जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही हैं ओवरऑल जहाँ जहाँ आपको देखने को मिलेगा रिसेशन आया है आपको नॉमिनल रेट इंटरेस्ट रेट जैसे 2007 में रिसेशन आई थी तो आपको देखने को मिल रहा है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे की तरफ जा रही है मगर थ्रू आउट आपको अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो आपको ब्लू वाली जो लाइन है वो थ्रू आउट ब्लैक लाइन से काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है अब जब हम इसको इस ब्लू लाइन को हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट किया है और ब्लैक वाली लाइन से रियल इंटरेस्ट रेट को शो किया है तो आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं ख़ास तौर तो के ऊपर ये वाला पूरा पैच जिसमें 1972 से लेके 1980 तक आपको जो इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है इस पूरे हिस्से टाइम पीरियड के अंदर ये नेगेटिव है क्योंकि ये आपका ज़ीरो का लाइन है और यहाँ पूरी की पूरी इस पूरे तमाम अरसे के अंदर आपकी रियल इंटरेस्ट रेट आपको जीरो लाइन के नीचे देखने देखने को मिल रही है हालाँकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इसी टाइम पीरियड में पॉजिटिव है और काफ़ी शार्पली ऊपर भी चला गया है कि मैंने आपको बताया वो इवन फिफ्टीन परसेंट से भी ऊपर चला गया है। लेकिन जब आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि वो थ्रू आउट इस टाइम पीरियड में नेगेटिव चल रहा है और इसी तरह से जब मैंने अभी आपको बताया टू के अंदर हम रिसेशन वाले टाइम पीरियड की बात करते हैं तो नॉमिनल को सिर्फ देखेंगे तो वहाँ तो आपको देखने को मिल रहा है देर इज अ डिप कि डिक्लाइन आया नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर रिसेशन थी 2007 की फाइनेंशियल रिसेशन लेकिन जब आपने उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट किया रियल इंटरेस्ट रेट निकाला तो अगैन यू कैन सी दैट द रियल इंटरेस्ट रेट इज़ वंस अगैन नेगेटिव सो इफ वी कंपेयर इस पूरे डायग्राम के अंदर अगर हम ब्लू लाइन के फ्लक्चुएशंस को ब्राउन लाइन के फ़्लक्चुएशंस के साथ में मैच करें और देखें कंपेयर करके कि इनकी मूवमेंट साथ में जा रही है पैरेलल चल रही है या नहीं तो आपको हैरान कन डिफ़्रेंसिस देखने को मिलते हैं और ये वाजे करते हैं कि जब हमने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमने सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को नहीं देखना हमने रियल इंटरेस्ट रेट की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करके कंसिडर करना है क्योंकि अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बहुत फैंसी वैल्यूज दिखा रहा है बहुत हाई वैल्यूज दिखा रहा है तो उसको रियल टर्म्स में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपने देखा है यहाँ के बहुत से ऐसे चंक्स हैं जिन में रियल इंटरेस्ट रेट आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है तो दिस पर्टिकुलर डायग्राम वॉज एक्सप्लेनिंग द डिफ्रेंसेज इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट

डिसीजन मेकिंग करेंगे अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है बोरोइंग करनी है इन्वेस्टमेंट करनी है सेविंग करनी है तो आपने ना सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करना है बल्कि ज़रूर है कि आप रियल इंटरेस्ट रेट को भी अकाउंट फॉर करें अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए